भगवान शिव का अभिषेक। भगवान शिव को स्नान कराने की प्रक्रिया को अभिषेक कहा जाता है। वेदों में भगवान शिव का रुद्र नाम से वर्णन किया गया है और रुद्र के अभिषेक को ही रुद्राभिषेक कहा जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रुद्र के अभिषेक का सावन में महत्व क्यों बढ़ जाता है और शिव पुराण के अनुसार रुद्राभिषेक के लिए आसान मंत्रों और विभिन्न चीजों द्वारा अभिषेक से क्या फल मिलता है, इन्हें भी जानेंगे। आप सभी का MV म्यूजिक चैनल में स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आइए अब हम जानते हैं रुद्राभिषेक के महत्व को। रुद्र अर्थात रुद और रुत यानी जो दुखों को नष्ट करें। भगवान शिव जो रुद्र के रूप में प्रतिष्ठित हैं, वह हमारे जीवन के सभी दुखों एवं कष्टों को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। रुद्र के उपनिषद हैं। भगवान रुद्र ही जगत सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा तथा जग पालन पोषण करते हैं, विष्णु हैं और सभी देवता रुद्र के ही अंश हैं। इस संपूर्ण चराचर जगत में सभी कुछ रुद्र से ही जन्मा हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि रुद्र ही ब्रह्मा है और वही स्वयं भूमि है। भगवान रुद्र ने जब विषपान किया था तो विष की ताकत को कम करने के लिए देवी देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने उनका अभिषेक किया था। तब से भगवान की अभिषेक की परंपरा चली आ रही है और इस पर भगवान रुद्र अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सावन माह में अभिषेक का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसकी दो प्रमुख वजहें हैं। एक तो भगवान रुद्र को सावन मास अत्यंत प्रिय है और दूसरी वजह है कि भगवान विष्णु आषाढ़ मास की एकादशी को, जिसे देव शयनी एकादशी कहा जाता है, इस दिन भगवान विष्णु चतुर्मास के लिए सो जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि भगवान रुद्र के अधीन हो जाती है। इन्हीं वजहों से सावन मास में रुद्राभिषेक का महत्व और भी बढ़ जाता है। रुद्राभिषेक मंत्र द्वारा किया जाने वाला एक शक्तिशाली ऊर्जा पूर्ण कार्य है, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव की असीम अनुकंपा शीघ्र प्राप्त होती है। रुद्राभिषेक मंत्रों द्वारा किया जाता है और यह कोई एक मंत्र नहीं बल्कि मंत्रों का समूह है, जो शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्याय के रूप में भी जाना जाता है। इसे रुद्राष्टाध्याय और रुद्री पाठ भी कहा जाता है। रुद्राभिषेक मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे अचूक एवं सटीक उपाय है, जिससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर व्यक्ति को सभी सुख सुविधाओं से संपूर्ण बनाते हैं और जीवन में चली आ रही समस्याओं का अंत करते हैं। इससे नकारात्मकता का अंत होता है और ग्रह जनित दोषों एवं बीमारियों से छुटकारा मिलता है। शिव पुराण के अनुसार निम्न मंत्रों द्वारा अभिषेक किया जाना चाहिए। शत्रुद्री मंत्रों से, रुद्र के 11 हाथों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के स्त्रोत नामों के आदि में प्रणव यानी ओम और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा इन सभी में सबसे आसान मंत्रों को जान लेते हैं, जिससे आप स्वयं ही घर पर भी नित्य भगवान शिव की रुद्राभिषेक कर सकें। ना तो आपको किसी मंदिर के पुजारी की आवश्यकता है, ना किसी ऋषि मुनि की। मंत्रों का उच्चारण करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होंगे। यह मंत्र कुछ इस तरह है। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्यो मुक्ष्य मामृतात्, ओम स्वभुवः भूः ओम सः जुः ओम। रुद्र गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। मैं ओम जोड़कर ओम नमः शिवाय मंत्र से और ओम नमो नीलकंठाय नमः इत्यादि मंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक किया जा सकता है। शिव पुराण के अनुसार विभिन्न चीजों द्वारा रुद्राभिषेक करने से विभिन्न फलों की प्राप्ति का भी वर्णन किया गया है, जो कुछ इस तरह है।
शुद्ध जल से अभिषेक करने पर सुख और संतान की वृद्धि होती है। गंगा जल से अभिषेक करने पर भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करते हुए सहस्त्रनाम मंत्रों का पाठ करने से वंश का विस्तार होता और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दूध से अभिषेक करने पर यदि किसी का जीवन से जी उचट गया हो, कहीं प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और घर में सदा काल रहने लगे, ऐसी स्थिति में दूध से अभिषेक करने से सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। शक्कर मिश्रित दूध से अभिषेक करने पर यदि किसी की बुद्धि जड़ हो जाए तो उसे देवगुरु बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। विद्यार्थियों के लिए यह सर्वोत्तम है। सुवासित तेल से अभिषेक करने पर भोगों की वृद्धि होती है। मधु यानी शहद से अभिषेक करने पर राज्य यक्ष्मा रोग दूर हो जाते हैं। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में कहा गया है कि उक्त सभी धाराएं मृत्युंजय मंत्र के 10,000 जप से चढ़ानी चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि यह जानकारी जो हमने आपको बताई आपको समझ में आई होगी, पहली बार चैनल पर है तो MV म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें।